मैं राजन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में, जिसका नाम है इंडिया टेक इन हिंदी। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर दें। आप लोगों को मैं एक गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है GTA लाइब्रेटरी सिटी, जो कि बिल्कुल 400 MB में है, 390 MB में है। तो मैं बताता हूँ कि उसे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करने से पहले थोड़ा सा गेम प्ले देखते हैं कि इसका कैसा गेम प्ले है। आप लोग इसका ग्राफिक्स भी देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स कैसे हैं। तो चलिए गाड़ी को थोड़ा लिया जाए, और ये आपका 1 GB रैम में भी वर्क करेगा। तो चलिए थोड़ा सा गेम प्ले देखते हैं। इसमें मिशंस भी आएंगे आप लोगों को, बहुत GTA San Andreas की तरह, GTA 3 की तरह, दोनों जैसा अच्छा ही गेम है। आप लोग देख सकते हैं कि ये गेम ज़्यादा सा भी लैंग नहीं कर रहा है, और ना ही आपका मोबाइल थोड़ा सा भी हैंग करेगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सैमसंग J2 है, और इसमें भी इसका 1 GB रैम होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के नीचे इंडिया टेक इन हिंदी के बगल में यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा वैसे की ज़रूरत नहीं देना होगा, फिर आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल कर लें जिसका नाम है जेट अचीवर, और आप लोगों ने उसे जहाँ गेम को डाउनलोड किया वहाँ पर जाएँ, और आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका APK है जो कि 11 MB का है। ये वाला ओपन पेज पर क्लिक करें और इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 390 MB का यहाँ फाइल है, इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हीयर पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हीयर मैंने कर लिया है इसलिए कैंसिल करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे com.rockstar.gta ये ऐसा फोल्डर रह जाएगा, और अंदर आपका 1.38 GB का एक फोल्डर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से आपको कट करना है, कट करके बैक आना है, एंड इंटरनल मेमोरी के एंड्रॉयड में OBB में आके पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से करके रखा है, आप लोग कर लें। तो मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ, और आप लोग बैक आए, बैक आए, बैक आए। बैक आने के बाद मैंने अपना गेम स्टार्ट रखा उसको हटा देता हूँ, और अपना गेम को खोलें। ये गेम आपके मोबाइल में बिल्कुल लैग नहीं करेगा, आपका मोबाइल भी हैंग नहीं करेगा। स्किप दिस पे क्लिक करें, स्किप यू टैप टू कंटिन्यू। और विषम या स्टार्ट गेम आप लोग कुछ भी करें, इसे स्टार्ट गेम करके मैं दिखाता हूँ। स्टार्ट न्यू गेम, सॉरी प्ले स्टोर में आ गया। अब वो देख सकते हैं कि ये गेम स्टार्ट हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, और ये लोडिंग हो चुका है। देख सकते हैं ऐसे बस से स्टार्ट होगा, स्किप पे क्लिक कर लें आप लोग। Nice little place to stay. स्टार्ट हो गया है,
अभी आप लोग स्किप पे क्लिक करते हैं, स्किप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ, देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। हमको उस येलो के, येलो जो यहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे जाना है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करें मुझे कि 100 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और एक अच्छा यूट्यूबर में भी बन जाऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। जय।